C++ में टॉपिक है, वो तीन तरह के लूप्स हैं हमारे पास C++ में। सबसे पहले लूप्स, उनकी जो टाइप्स हैं वो है, सबसे पहला वाइल लूप, फिर हमारे पास जो दूसरा है वो है डू वाइल, ठीक है। तीसरा लूप हमारे पास जो है वो फॉर लूप आ जाता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे इस्तेमाल करना काफ़ी जो है वो आसान है। अब सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इनकी सिंटैक्स क्या है। वाइल लूप जो है उसका हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है। सिंटैक्स सबसे पहले आपने वाइल की कंडीशन लगानी है, ठीक है। आपने ब्रैकेट लगाया, दो स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर कंडीशन। इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आएगी और यहाँ पर दो कर्ली ब्रैकेट्स, एक ओपनिंग के और क्लोजिंग के, और यहाँ पर आपके पास जो भी आपने जो है वो कोड टू बी एग्जीक्यूट, जो भी आपने कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना हो तो यहाँ पर जो है आ जाता है। उसके बाद हमारे पास डू वाइल आ जाता है। डू वाइल का सिंटैक्स कुछ है ऐसा है कि आप सबसे पहले डू लिखते हो। C++ केस सेंसिटिव है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डू और वाइल ये सारे जो है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में ना कि कैपिटल में, ठीक है। तो आप डू की कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो, डू के बाद जो है वो कंडीशन नहीं आती। डू की जो कंडीशन है वो वाइल के अंदर होती है। यहाँ पर आप जो है वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे होती है। यहाँ पर आप वो कोड लिखते हो जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट्स ख़त्म हो रही हैं उसके बाद आपके पास यहाँ पर वाइल का लूप आता है जिसके अंदर आपकी कंडीशन होती है। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर डू करो, ये काम करो, ठीक है। वरना यहाँ पर आपके पास कोई भी सी आउट की स्टेटमेंट आ जाएगी, जैसे कि कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप वगैरह। अभी जो है हम करके देखते हैं कि वो क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी जो है वो स्टॉप करवा सकते हो। उसके बाद आपके पास फॉर लूप का सिंटैक्स आ जाता है। एक मिनट, सिंटैक्स सिंटैक्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास फॉर लूप का सिंटैक्स आ जाता है। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है हमारे पास वो देखें, सबसे पहले आपने फॉर लूप लिखना है, उसके बाद आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर आई, यूजली आई जे के वगैरह जो है वो यूज होता है। उसको आपकी मर्ज़ी या आप जहाँ से मर्ज़ी जो है वो स्टार्ट करना चाहो, आप यूजली जो है ज़ीरो से स्टार्ट कर लो या जहाँ से मर्ज़ी जो है आप स्टार्ट करो। उसके बाद आप आई की कंडीशन लगाते हो, यहाँ पे कंडीशन आती है, ठीक है। इसको जो है हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लिखते थे, बाद में एग्जांपल में हम जो है वो देखेंगे। इनिशियलाइजेशन आ जाती है, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है फॉर के लूप में आपके पास इनिशियलाइजेशन चलती है, कहाँ तक चलनी है ये वो देखता है, कंडीशन को देखता है, ठीक है। उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे जो भी आपका कोड लिखा हुआ होगा पहले वो एग्जीक्यूट होगा, कोड के लिए एग्जीक्यूटेड, पहले यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपने लगाया हुआ होगा वो होगा। तो पहले जो है हम वाइल की एक एग्जांपल देख लेते हैं, वाइल लूप की, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट डाल देते हैं, एग्जांपल ऑफ वाइल लूप, ठीक है। तो हम जो है उसे कह देते हैं कि यूज़र से तब तक इनपुट ले जब तक यूज़र जो है वो ज़ीरो एंट्री नहीं कर जाता। हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं, इंटीजर नंबर, ठीक है। नंबर हमने क्योंकि यूज़र से लेना है, हम इसे डिक्लेयर करवाते हैं, हम सी आउट करते हैं, हम इसे जो है वाइल के लूप के अंदर लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वाइल के लूप के अंदर हम लिख देते हैं कि नंबर जब तक नंबर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल्स का साइन है, तो जब तक नंबर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है तब तक वो यूज़र से इनपुट लेता रहे, यानी सी आउट एंटर
नंबर हेयर, एंटर नंबर हेयर, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पे सी इन करवा लो, यहाँ पे सी इन नंबर, ठीक है। और फिर जैसे ही जो है यूज़र ज़ीरो एंटर करे तो हम क्या करें, हमें पता ही नहीं है क्या करना। हम कहते हैं कि जो है जैसे ही यूज़र ज़ीरो एंटर करे तो जितने भी नंबर्स उसने एंटर किए हैं हमें उसका जो है ना वो सम शो करवा। तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं सम के नाम का और उसे जो है इनिशलाइज करवा देते हैं ताकि कोड एग्जीक्यूशन में जो है वो एरर ना आए। और हम सम के लिए क्या कहते हैं, हम सम देंगे उसे कहेंगे प्लस इक्वल्स टू नंबर। अगर किसी को नहीं पता कि यहाँ पर क्या किया है तो मैं सिंपली उसे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है एक सम का जो वेरिएबल हमने लिया हुआ है उसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, उसको हमने किया है कि सम की वैल्यू ले, ठीक है, और उसमें जो है प्लस कर दे नंबर को, उसमें नंबर को जो है वो ऐड कर दे। ये शॉर्ट हैंड है, आपको जो है आसानी होगी यूज़ करने। और हम कहते हैं कि सी आउट कर दे सम को, यहाँ पे एंडर लगा लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें देखने में, ठीक है, सी आउट एंडर सम। बस जब तक यूज़र जो है वो नंबर ज़ीरो एंटर ना करे तब तक उसे जो है वो इनपुट लेते रहो और उसे जो है सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते रहो। और जैसे ही वो ज़ीरो इनपुट करे तो सी आउट एंडल और सम, जो भी सम आया उसे आउटपुट करवा दो। इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर हम एरर दे रहे हैं तो हम इनिशियली जो है वो नंबर को कोई वैल्यू दे देते हैं, वन दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ज़ीरो देंगे तो कोड एग्जीक्यूशन वैसे ही रुक जाएगी। तो हम इसे रन करके दोबारा देख लेते हैं, ओके। कोड एग्जीक्यूट हो गया है हमारा, देखते हैं क्या कहता है। एंटर नंबर है, हम इसे कहते हैं टू, फिर मांग रहा है एंटर नंबर, एंटर कर रहे हैं, जूम इन कर लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब जो है हम जैसे ही ज़ीरो एंटर करेंगे तो कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप भी हो गई और उसने हमें जो है आउटपुट डिस्प्ले भी करवा दी जो हमारा सम आया। अगर आप 2 to 10 को जो है वो सम करें तो आपके पास यही जो है वो आउटपुट आता है। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा अच्छा करके दिखाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है एंडल सम यहाँ पे लगाया, आप सिंपली यहाँ पे आप लिख दो द सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज सम, ठीक है। अब आप इसे रन करके देखें हमारे पास क्या आता है। यहाँ पर आप जो है नंबर एंटर करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो सम ऑफ एंटर नंबर इज 45, जितने भी आपने नंबर एंटर किए हैं वो आपके पास आ गए 45। अक्सर पेपर में भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप पहले 9 नंबर्स का जो है वो सम करके दिखाएं, तो जो पहले 9 नंबर्स का सम है वो आप ऐसे भी जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो डू वाइल का लूप आ जाता है। डू वाइल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले उसे लिख लेते हैं एग्जांपल ऑफ डू वाइल, ठीक है। हम क्या कहते हैं, पहले ले लेते हैं डू और वाइल, यानी जब कोई कंडीशन ट्रू हो तो डू के कोड को जो है एग्जीक्यूट करें, लेकिन अगर फॉल्स हो तो डू के वाइल के बाद जो है कुछ एग्जीक्यूट ना करें। इसे समझने के लिए आसान तौर पे आप ले लें एक वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू है इंटीजर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, और आप कंडीशन में रखो कि अगर नंबर जो है वो 0 है। इसे सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना आप डू वाइल से और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर नंबर जो है वो कंपेयर टू 0 है तो आप सी आउट करवा दो, कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप सक्सेसफुल, कुछ भी आप जो है वो आउटपुट करवा सकते हो, ठीक है।
आप जो है कह दो कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप सक्सेसफुल। अगर नहीं है, अगर नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप क्या करो, आप वही नंबर जो है वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाओ, सी आउट नंबर, बस इतना सा था, ठीक है। अब जो है इसे रन करवा के देखते हैं क्या हमारे पास जो है, हमारे पास जो है सिंपली कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप सक्सेसफुली आना चाहिए। हमारे पास ना सिर्फ कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप सक्सेसफुली आया है, बल्कि हमारे पास 5 भी आ गया। ऐसा क्यों हुआ? अब बात समझने वाली ये है कि C++ जो है वो एक सिक्वेंशियल एक्सेस लैंग्वेज है, यानी वो पहले एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है, फिर दूसरी को, और एंड अप टू सो ऑन जितनी भी आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो दी हुई है वो उसको पढ़ती है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में जो हमारे पास आ रही है वो कहता है कि आप नंबर को जो है वो डिस्प्ले करवाओ, वो कंडीशन को नहीं देख रहा पहले, पहले वो कह रहा है कि ना आप नंबर को जो है वो डिस्प्ले करवाओ। तो उसने पहले नंबर को डिस्प्ले करवाया और फिर कंडीशन जो है वो चेक की है, फिर उसने देखा कि जो नंबर है यानी जो 5 है वो इक्वल 0 से बराबर नहीं है, तो कोड एग्जीक्यूशन को जो है वो रोक दो। लेकिन क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन जो है, कंपाइलेशन जो है वो पहली लाइन से स्टार्ट होती है और फिर आगे चलती है, तो इस वजह से पहले उसने हमें नंबर डिस्प्ले करवाया और फिर उसने जो है वो कोड एग्जीक्यूशन को रोका। आप चाहे तो जो मर्जी भी लिख लो ना, पहले उसने डू के कोड को एक दफ़ा तो लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो वो उसे स्टॉप कर देगा, लेकिन अगर ट्रू होगी तो वो जब तक कंडीशन ट्रू है वो उसको तब तक जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये काम हो रहा है। फॉर का लूप जो है वो उसे आज हम नहीं समझेंगे, क्योंकि फॉर का लूप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर जो है मैं एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए जो है वो वाइल और डू वाइल का लूप ही है। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।